इस वक्त की बड़ी खबर यूपी के जिला बरेली से सामने आ रही है, जहां एक 5 महीने की गर्भवती महिला की सदमे में हार्ट अटैक पड़ने से मौत हो गई। आरोप है कि चीता पुलिस के सिपाहियों के द्वारा धमकाने के बाद उसकी मौत हुई है। महिला की मौत के बाद परिजनों के साथ भीड़ ने हंगामा करना शुरू कर दिया। सूचना पर जयनगर पुलिस के साथ CO 3rd मौके पर पहुंच गई है। इलाके में भारी फोर्स तैनात कर दिया गया है। परिजनों का आरोप है कि स्थानीय पार्षद के इशारे पर पुलिस 2 दिनों से उन लोगों को परेशान कर रही थी, जिसकी वजह से गर्भवती की मौत हुई है। जानकारी के मुताबिक जयनगर में तुला शेरपुर निवासी संजय कुमार की 35 वर्षीय पत्नी शीतल 5 महीने की गर्भवती थी। संजय के परिवार वालों ने अन्य स्थानीय लोगों के साथ 15 दिन पहले मोहल्ले में एक मंदिर बनवाया है, जिसमें मूर्ति की स्थापना कराई जानी है। मूर्ति की स्थापना से पहले रोड बनवाने के लिए संजय के परिजन क्षेत्रीय लोगों के साथ सभासद हरपाल सागर के पास गए थे। आरोप है कि इस दौरान सभासद ने उनसे अभद्रता करी और झगड़े पर आमादा हो गया। वो उसकी शिकायत करने चौकी पर गए तो पार्षद के इशारे पर उल्टा पुलिस ने उन्हें ही बैठा लिया। जैसे तैसे वो लोग वहां से निकल आए तो रात से लेकर सुबह तक चीता पुलिस कई बार उनके घर पहुंच गई और संजय के भाई विष्णु और नितिन को उनके हवाले करने को लेकर धमकाया। शाम को संजय की पत्नी शीतल सांस फूलने पर दवा लेने के लिए जा रही थी। इस दौरान रास्ते में चीता पुलिस ने उन्हें भी रोक लिया और धमकाया कि तेरा भी नाम है, तुझे भी ले जाएंगे। इससे वह सदमे में आ गई और घर जाकर उसकी हार्ट अटैक पड़ने से मौत हो गई। महिला की मौत के बाद हंगामा खड़ा हो गया। परिजनों ने पार्षद और चीता पुलिस के सिपाहियों पर कार्रवाई की मांग करी है। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। ये क्या नाम आपका? रवि, मैं आजमनगर। अच्छा, ये कौन है आपकी? जी मेरी बड़ी सिस्टर है। क्या नाम था? शीतल सक्सेना। क्या घटना हुई थी इनके साथ? कुछ नहीं, असल में कल की बात है, इन लोगों ने मंदिर पहले बनवाया था, 15-20 दिन पहले मंदिर बनवाया, तो बस जे बात थी, इन्हें मूर्ति स्थापन करवाना थी, तो जे लोग बोले सब लोग मिलके चल लें, नेताजी का ने जो यहाँ का सभासद है हरपाल सिंह, उनसे कह के हम यहाँ की रोड पड़वा लेंगे तो सबको अच्छा लगेगा निकलने बैठने में। चमासे में पानी भर जाता है और यहाँ पर निकलने में बड़ी दिक्कत होती सब लोगों को, और मूर्ति उर्ति स्थापन के लिए कहा था तो वहाँ गए सब लोग, बहुत लेडीज़ें गईं 10-12 और दो मतलब हमारे बहनों के बड़े भैया छोटे भैया गए थे, तो वहाँ पर जो गए थे हरपाल सिंह के यहाँ, उन लोगों ने माँ बहन की गाली दी, उनकी बहन माँ जो भी थी बीबी बच्चे सब गाली दे रहे थे, तो जो लोग चुपचाप आ गए बोले बेकार लड़ना है, पुलिस के द्वारा काम होगा। पुलिस के द्वारा जो गए तो पुलिस उल्टा हमारे बहनोई को पकड़ ली थी, बहनोई को पकड़ ली तो वहाँ से बहनोई हमारे छोट मतलब धक्का दे के निकल लिया है। हैं फिर हरपाल सिंह ने रात में 3 बार भेजा चीता पुलिस वाले, पैसे खिला के 3 बार आए। फिर सुबह भी मैं यहाँ था अपनी बहन कने, तो 3 से 5 बार आए, तो कह रहे हैं क्या नाम है, हम विष्णु और नितिन को हमारे हवाले कर दो। मतलब ये कौन है आपकी बहन के? विष्णु, मतलब विष्णु जो है बड़े जेठ हैं और जो वो है वो देवर हैं, तो वो यहाँ पर अभी 5 बजे के टाइम पे सांस फूलती थी उसकी, दवाई लेने गई बाहर, तो वहाँ दवाई लेने गई तो पुलिस वाले आए चीता वाले, बोले 5 औरतों का नाम है जिसमें तेरा भी है, ये भी ले आऊँगे। वो दहशत के मारे उसकी सांस फूलती थी, घर पे आके उसे हार्ट अटैक पड़ गया और वहीं फैल गई मेरे जीजा को चिपट के, वहीं पर वो एक्सपायर हो गई। जी जी, 5 महीने का बच्चा है उसके पेट में। कुछ ही नहीं चाहिए, बस हरपाल सिंह का पद छीनना चाहिए और उसे सजा मिलना चाहिए। अब यहाँ चौकी इंचार्ज साहब आए हैं, उन्हें कह रहे हैं उन्हें कुछ नहीं पता, तो जो नीचे के हैं वो क्यों आए? कल रात से परेशान कर रही है बहुत ज़्यादा। ना कल ही गए थे, हमारा मंदिर कल पूरा एकदम ओके बन गया था तो गए थे वहाँ पर हम।